लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा देखने मिल रहा है और एक स्टॉक जो कि आज फोकस में है वो है पिडिलाइट, क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आए हैं और अनुमान से थोड़े बहुत कमजोर नतीजे जो है वो यहाँ पे पिडिलाइट ने पेश किए हैं। कंपनी की आय अगर आप देखेंगे तो करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, जबकि मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 13% के आसपास की ग्रोथ जो है वो यहाँ पे देखी गई है। नतीजों पे कंपनी के MD भरतपुरी से बात की जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने, आइए सुन लेते हैं। पहले तो सर नंबर्स हमें थोड़े से एक्सप्लेन करिए, जो एस्टिमेट्स थे वो कहीं ना कहीं मीट नहीं हुए हैं, क्या कारण है? एट एन ओवरऑल लेवल हमारा कंज्यूमर बिजनेस हैज ग्रोन बाय अबाउट 10%, वॉल्यूम्स आर अप बाय अबाउट 7%। हमारे लिए जो बिजनेस है वो सीक्वेंशियल देखना सही नहीं, क्योंकि Q3 और Q1 हमारे बड़े क्वार्टर्स रहते हैं, Q2 और Q4 छोटे क्वार्टर रहते हैं। तो अगर आप एक स्टेप वापस और पूरे साल का देयरफॉर रिजल्ट देखें तो ओवरऑल हमारी कंज्यूमर एंड बाजार बिजनेस की ग्रोथ 20% से ज्यादा है, जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो हेल्दी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है। तो क्लियरली फ्रॉम अ टॉप लाइन ग्रोथ जहां तक हमारी परफॉर्मेंस है काफी सेटिस्फैक्ट्री रही है। क्लियरली मार्केट इस रेट पे नहीं ग्रो हुआ है तो ओवरऑल वी वुड हैव गेन्ड मार्केट शेयर। जहां तक मार्जिन का सवाल है, हमने शुरू से कहा है कि देखिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड साल था रॉ मटेरियल के लिए, उस पहले दो क्वार्टर में इसका मैसिव असर था, थर्ड क्वार्टर में थोड़ा कम होना शुरू हुआ, अब आपने देखा कि फोर्थ क्वार्टर में इंप्रूव होना शुरू हुआ है। अच्छी खबर यह है कि अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस मॉडरेट हो चुके हैं, तो प्राइस अब है थोड़े नॉर्मल सी पे वापस आए हैं। जो हमारा मार्च का एग्जिट मार्जिन है वो बेशक हमारे अनुमान से और हमारी जो ऑब्जेक्टिव उसके आसपास है, 20% के आसपास है। तो अगर हम आगे देखें तो ओवरऑल जहां तक टॉप लाइन का सवाल है, वी विल से कि भाई ये डिमांड अगर बरकरार रहे तो बहुत सही रहेगा। मार्जिन डेफिनेटली इंप्रूव होगा क्योंकि जो जितना एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल था वो सब कंज्यूम हो चुका है, आगे रॉ मटेरियल का प्राइस अब सही है। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई जो फ्यूचर है हम उसको कॉशियस ऑप्टिमिज्म से देख रहे हैं, सिंपली क्योंकि टॉप लाइन अगर आप पूरा साल देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट है, मार्जिन अब वापस आना शुरू हो गया है। क्वार्टर फोर में एक ये भी हमें एडवांटेज दिखा है कि पहली बार रूरल और सेमी अर्बन ग्रोथ वापस आना शुरू हुआ है। ये पहला क्वार्टर है साल का जहां रूरल और सेमी अर्बन ग्रोथ अर्बन ग्रोथ से बेटर रही है। तो ओवरऑल इसीलिए हम कह रहे कि आगे अगर हम देखें तो वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये तो डोमेस्टिक सिचुएशन हुई सर, इंटरनेशनल बिजनेस किस तरह से दिख रहा है फॉर FY24? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स में वॉलिटिलिटी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या FY24 बेहतर होगा या सिमिलर होगा फॉर द कंपनी? देखिए अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल मार्केट्स है क्लियरली यहाँ वॉलिटिलिटी और अनसर्टेनिटी काफी है। जहां जहां हमारा एक्सपोर्ट है स्पेशली जो डेवलप्ड मार्केट्स है US यूरोप, वहां डिमांड कंडीशंस काफी सॉफ्ट है, उसका असर हमारा आपको अपनी सेल्स पे दिख रहा है। अगर आप हमारा B2B बिजनेस देखें तो B2B बिजनेस की जो ग्रोथ है वो कम रही है, साल में सिर्फ 13% ग्रोथ रही है। इसका खास वजह यही है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है US यूरोप, जो हमारे कस्टमर्स है जो एक्सपोर्ट के जो लेदर एक्सपोर्ट करते हैं या टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं उनकी डिमांड कम है। जहां तक हमारे ऑपरेशंस का सवाल है, ओवरऑल हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बहुत सही रहा है। वी हैव ग्रोन आवर इंटरनेशनल बिजनेस जो हमारी सब्सिडरीज है बाय क्लोज टू 20%। तो वेदर इट इज श्रीलंका जहां नॉर्मलसी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है, बांग्लादेश, ब्राजील, मिडल ईस्ट, तो ओवरऑल वी आर सीइंग गुड ग्रोथ। हमने शुरू से कहा है कि हम एक इमर्जिंग मार्केट्स मल्टीनेशनल बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, और इमर्जिंग मार्केट्स में ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंस और ग्रोथ है वो अच्छी रही। चलिए तो ये था पिडिलाइट का मैनेजमेंट जो कि बताते हुए कि किस तरह के तिमाही नतीजे देखने मिले, ओवरऑल ग्रोथ तो अच्छी रही, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा है कि सेमी अर्बन और रूरल एरियाज वहां पे भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जो है वो देखने मिल रहा है, क्योंकि अब तक जितनी भी कंपनियों की कॉनकॉल्स हुए हैं उसमें उन्होंने इस तरह का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया, सबके सब ये कह रहे थे कि अभी भी सबड्यूड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ जो है इस कंपनी की हमारे अनुमान से थोड़ी कमजोर रही है, स्टॉक में थोड़ा दबाव है, करीब करीब 7-8 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। एक बार नीलेश जी से पूछते थे, नीलेश जी पिडिलाइट नतीजों के बाद थोड़ा रिएक्शन देखने मिल रहा है, लेकिन चार्ट्स पे कैसा लग रहा है ये काउंटर? देखिए वरुण जी काफी बेहतरीन काउंटर है, एक सेक्युलर अपट्रेंड में रहा है। 2001 से अगर हम इस पर्टिकुलर काउंटर का चार्ट देखें
तो लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर में एक तरफा तेजी हमने देखी है। हालांकि एक स्लो मूवर है, तो जिस हिसाब से पिछले कुछ एक दिनों में कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, तो इसी प्रकार का कंसोलिडेशन विद ग्रेजुअल अप हमें देखने को मिल सकता है। तो जिनका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, टाइम होराइजन है मोर देन वन ईयर, वो इस पर्टिकुलर काउंटर को इन लेवलों पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और गिरावट में तो इसे ऐड करने की ही सलाह होगी। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे फिर से ऑल टाइम हाई लेवल्स की ओर ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 2550 का इसका इमीडिएट हर्डल है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 200 डे मूविंग एवरेज है 2550 के आसपास, उसके ऊपर अगर निकलता है तो फ्रेश खरीदारी वहां पे हमें देखने को मिलेगी, और निचले स्तरों पर 2350 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, तो ये राय आती हुई पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे, नजर रखिएगा इस काउंटर पे, नजर बाजार पे भी रखनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी जो है अब 18,300 के नीचे फिसल चुका है।